हेलो डियर स्टूडेंट जय हिंद जय राजधानी मैं डॉक्टर रमेश यादव राजधानी गुरु पचकोडिया जो जयपुर से वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द एनिमल दिनिमल जी जिया दिस दिस इज द लाइव स्टोक मैनेजमेंट और हम लोग ना गाय कर चुके हैं भैंस को निपटा चुके हैं बकरियां बेड़े धड़ाधड़ धड़ाधड़ और अब हम आ गए एक सबसे बड़े प्राणी के पास बोले तो ऊंट हम ऊंट के बारे में पढ़ेंगे ऊंट की ब्रिड्स के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है वो पढ़ेंगे मतलब ऊँट ही ऊँट बढ़ेंगे राइट है तो सभी को गुड इवनिंग सभी को नमस्कार सभी को सतरीकाल सभी को सब्बा कैर सभी को वाहे गुरु दी भदे सभी को जय राजधन वेलकम टू ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट ऊट मन ऊट पढ़ा दो जी डा जी भाई पढ़ा रहे हैं ना ऊँट के लिए तो आए ऊँट पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे बचपन से ऊँट पढ़ा रहे हैं चले लेट्स स्टार्ट देखिए ये पढ़ेंगे हम लोग कल बात हो गई थी हम लोग ऊंट पढ़ेंगे और ये आपके बीच जो है ना पानी में से निकल के ऊंट की ब्रीड्स ऐसे लिखा हुआ है हो गया अब ये ऊंट ना ऊंट ये एक कुबड़ वाला भी होता है एक सिंगल कुबड़ वाला होता है जिसको आप चाहो तो अरेबियन ऊंट कह दो अरब देश का ऊंट कह दो या गर्म प्रदेशों में रहने वाला ऊंट कह दो या शुष्क प्रदेशों में रहने वाला ऊंट कह दो तो एक कोबड़ वाला मतलब एक ही कुब्बड़ अरेबियन ऊट है एक कोबड़ क्या घूम रहा है ये देखो एक ही कुबड़ है इसके वन हम्प्ड सिंगल हम्पड राइट है इसको लोग अरेबियन ऊंट भी कहते हैं ये गर्म और शुष्क प्रदेशों में ज्यादा पाला जाता है जिसके एक ही कुबड़ होती है एक ही हम्प होती है वो बेटा कहाँ पाला जाता है अरेबियन ऊंट है गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पाला जाता है इसका जूलॉजिकल नेम होता है केमेलस ड्रोमेडेरियस क्रेमेलस ड्रोमेडेरियस केमेलस ड्रोमेडेरियस केमेलस ड्रोमेडेरियस केमेलस तो आज याद करना एक को बड़वाला केमेलस ड्रोमेडेरियस एक को बड़वाला जिसकी एक कोबड़ केमेलस ड्रोमेडेरियस एक बड़वाला एक को बड़वाला बेटा बड़ सिंगल हम्पड है और इसका नाम हो गया केमेलस ड्रोमेडेरियस दो कोबड़वाला दो कु आ गया भाई जी आ गया दो कुड़ वाला आ गया भाई जी भाई जी कैसे है दो कुबड़ वाला भाई जी आ लिया दो कुब्बड़ वाला ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं इनको कहा जाता है एशियन केमल और ये बेटा लद्दाख वदाख में इंडिया में तो क्या है लद्दाख वदाख में मिलता ही हमारे राजस्थान में तो जी नहीं सकता इसको ठंड चाहिए हमारे राजस्थान में एक कुब्बर का चलता है इधर दो दो कुबड़ का चलता है राइट बेटा हो गया दो दो कुबड़ का चाल एशियन ऊंट है और ये ठंडे प्रदेशों में ज्यादा मिलता है ये है अबे रुक जा मणि मणि लेके माने को यह कैमेलस बैगट्रेनस है केमेलस बैकट्रेनस कैमेलस बेक्ट्रेनस कैमेलस बेक्ट्रेनस ऑर्डर है इसका आर टी आरटी आर टी डेक आर टी डेक्टाइला ठीक है बेटा आर टी मैं दूर कर दूंगा सबका ना दूर कर दूंगा बेटा मेरे क्वेश्चन डाल देना आर टी फैमिली केमेलीडी ऑर्डर आर टी फैमिली केमेलीडी ये हा हा सर पढ़ाओ भाई कोई नया आया क्या धरती पे ही नया जन्म हुआ क्या बेटा अभी इन दिनों में ही नया जन्म हुआ दिखता भाई तेरे का नया हुआ ऐसे लग रहा है मेरे को हो गया बेटा तो ऑर्डर हो गया आर टी डे आरटीओ टीओला आर डेक्टाइला फैमिली केमेलिडी हो गई क्रोमाजोम नंबर चुएन बराबर सेवन रे फोर ऊटा बराबर सेवनटी एट सेवनटी फोर तो मुझे लग रहा है ये दो कूपट वाला ऊंट ना मजे दे गया आपको कहीं को उड़ा गया कहीं को मजे दे गया ये एशियन केमेल है लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है केमेलस बैक्टेनस इसका जुलोजिकल या साइंटिफिक नेम है इसका ऑर्डर होता है आर्टियोडेक्टाइला, फैमिली होती है नंबर होता है एन बराबर सेवेंटी फोर अब लेते हैं हम इसकी ब्रिड्स ब्रिड्स कौन सी नेरी बीका बिका नेरी बिका नेरी इसका एक नाम और है झीपराज इसके ना झीपड़े पाए जाते हैं झीपड़े झीपड़े कानों पे बाल होते, कानों पे बाल होते झीपड़े कहलाते यहां पर भी बाल होते उनको झीपड़े बोलते झीपड़े और इसका नस्ल का नाम ही क्या है राजाओं का राजा जीपड़ों का राजा झीपराज सच्ची जीपड़े में झीपड़े बोलते हिंदी में यहां पर बाल आते हैं कानों पे बाल आते हैं उनको बोलते झीपड़े अपने ही बोलते हैं मारवाड़ी में कहीं झीपड़ा सा उगा मिला है जरे कटिंग कराया जा रहा दुकान कौन खुली रहा रहे झीपड़ा बड़ा मिला है तो इसका नाम झीपराज भी है ये निकला है नेशनल रिसर्च सेंटर केमिल बिकानेर से और इसको डेवलप करने में तीन नस्लों का बड़ा योगदान है बिकानेरी नस्ल जो बड़ी है उसमें तीन नस्लों का योगदान है सिंधे ब्लोचे अफगान नहीं बोलते बोलते अपने कहा झीपड़ा बढ़ा भी ले रहे हैं हाँ? कटिंग कौन बढ़ा हुआ है ऐसे तो इसके झीपड़े ही बोलते हैं उनको झीपड़ा इन इंग्लिश झीपड़ा इन हिंदी झीपड़ा मारवाड़ी में झीपड़ा है ही राइट बेटा तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केमेल जोरबीर बीकानेर कहां पर है ये बिकानेर ये लेकिन जगह का नाम है जोरबीर तो जोरबीर बीकानेर से निकली हुई है ठीक है बेटा जोरबीर बीकानेर से निकली हुई है और तीन ऊंट है इसके अंदर सिंधी से बन गया बलूची से बन गया और अफगान से बन गया बिकानेर ऊट राइट सर टू कैमल एग्रीकल्चर यूज में लिए जाते हैं क्या बेटा इधर नहीं होते ना वो लिए जाते हैं लेकिन यहां नहीं होते हो यहां तो जैसे लेके भी आओगे तो मर जाएगा वो गर्मी से मर जाता है राइट right? अब राजस्थान में बिकानेरी ऊंट की नस्ल कहा बिकानेरी ब्रीड चल रही है प्रभु अब ऊंट नहीं चल रहे इस समय ऊंट की ब्रीड पे आ गए हम जनरल ऊंट नहीं चल रहा है जीप राज हो गया जीप राज उसके बाद एनआरसी केमल बीकानेर से निकली हुई है सिंधी ब्लूची और अफगान ऊंटों से बनाई हुई है राजस्थान में इसको बीकानेर में पालते हैं, श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ में चूरू में झुंझुनू में सिक्कर में और नागौर ये तो राजस्थान के जिले हैं राजस्थान मरो राजस्थान बिकानेर गंगानगर हनुमानगढ चोरो झुंझुनू से कर नागोर लेकिन राजस्थान ही नहीं हरियाणा में भी पालते बेटा पंजाब में भी पालते इसको पंजाब में भी पालते हैं आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं नस्ल इसकी बिकानेरी कौन सी नेरी बिकानेरी ना तेरी ना मेरी बिकानेरी हो गया बिकानेरी हाजिर है शरीर इसका भारी है भाई इससे भारी क्या होगा मुझे तो महाका ऐसा लगता ऊंट वैसे भी इस ऊंट को कभी गौर से दिखना आपको लगेगा जैसे पता नहीं कोई अलग ही ग्रह का प्राणी आ गया हो है ना बेटा तो शरीर बिकानेरी बिक्कानेरी सबसे तगड़ी होती है मतलब मान लो सबसे बेस्ट होती है बेटा शरीर इसका भारी है देखना सारे मोस्क बेटा भारी शरीर का होता है दिखने में बड़ा आकर्षक होता है बड़ा अट्रैक्टिव है हर किसी को ना अच्छा लगता है श्रेष्ठ बिकानेरी ब्रीड दुनिया की ऊंटों की सबसे श्रेष्ठ नस्लों में से आती है बेटा बेस्ट ब्रीड ऑफ कैमल सबसे सुंदर होते हैं इनको किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है कोई आईब्रो बनाने की जरूरत नहीं है कहीं भी पार्लर में नहीं जाते फिर भी दुनिया के सबसे खूबसूरत ऊंट होते हैं बिकानेरे काने का ने तो सारे इसका भारी है भारी है दिखने में है आकर्षक दिखने में है आकर्षक श्रेष्ठ है और सबसे सुंदर ऊंट होते हैं दुनिया के हो गया भाई ऊंचाई मस्त होती है बेटा बहुत अच्छी ऊंचाई वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही स्ट्रॉगली बिल्ट होते बेटा सक्रिय होते हैं, बहुत एक्टिव होते बहुत एक्टिव होते एवरी टाइम गेटिंग सो मच एक्टिवनेस इन इट्स बॉडी कोट का रंग भूरे से काला होता है मतलब जो बाल होते हैं ना वो भूरे से लेकर काले तक होते हैं काले तक होते हैं राइट बेटा कभी कभी थोड़ी लालिमा भी दे सकते हल्का हल्का रेडनेस आ सकती है इसके अंदर बाकी जनरली कैसे रंग के होते हैं बूरे से काले बुरे से काले सम्मित इनका शरीर है भाई सम्मित का मतलब अगर आप इसको बीच में से काटो ना तो बराबर बराबर दो भागों में कट जाते हैं जी दो भागों में कट जाते हैं जी सम्मित बेटा और हल्का गुमबद नुमा इनका सिर होता है सिर होता है ना गुंबद की तरह होता है कितने बच्चे गुंबद जानते हैं जो मंदिरों में बढ़ते हैं ऐसे मस्जिदों पर मंदिरों पर ऐसे बढ़ते बेटा गुरुद्वारों पे तो गुम्बद नुमा होता है इसका बॉडी सिर राइट बेटा गुमबद नुमा अब आएगा इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इसके यहां से चलना शुरू करें ना यहां तो चलते चलते जैसे ही ललाट पे आओगे ना यहां जहां पर सिर खत्म होगा यहां पर इसके गड्ढा पाया जाता है गड्ढा गड्ढा और उस गड्ढे को कहते हैं स्टॉप 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 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकानेरी बिकनेरी राइट मिलता उसमें स्टॉप वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जब आदमी यहां से चलना शुरू करता है कोई आदमी यहां से चलेगा यू डेटेड है तो जैसे ही आएगा अंदर गड्ढे में चला जाएगा उसको बोलते हैं स्टॉप 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 तो ललाट पर ये ललाट हो गया भाल हो गया आंखों के ठीक ऊपर जस्ट आंखों के ठीक ऊपर यहां से एक गड्ढा मिलता है जो दुनिया में केवल बिकानेरी नस्लों में ही मिलता है दुनिया में केवल बिकानेरी नस्लों में मिलता है और उसको कहते हैं स्टॉप बस हो गया मैंने तो समझ में आ गया शरीर इसका भारी है दिखने में है आकर्षक श्रेष्ठ ये तो ब्रीड है सबसे सुंदर ब्रीड है ऊंचाई है शानदार शानदार मजबूत इसका शरीर है बहुत ज्यादा एक्टिव है एक्टिव है एक्टिव है समझ में आया कोट का रंग इसका कोट जो होता है ना मतलब बॉडी के बालों का रंग होता है वो कैसा बताया मैंने वो बेटा बुरे से लेके काला होता है कभी कभी लालिमा दे सकता है मतलब थोड़ा सा रेडनेस भी हो सकती है इसके कलर में इसका सिर जो होता है वो गुमबदनुमा होता है और भारी है ना हाँ गुमबद होता है बेटा शरीर भी गुमबर होता है गुंबद नुमा सिर होता है शरीर भी गुंबद जैसा ही है लेकिन यहां पर है, सेम टू तो सेम बेटा, समझ में आ गया ये कईयों को तो पता ही नहीं है कि यहां आना कैसे है बच्चों को पता ही नहीं है कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, आने से पहले उड़ जाते बेचारे उड़ते क्यों हो जाते राइट तो ये चला 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 इधर चला मैं गडा मिला इधर चला मुझे गड्ढा मिला और वो गड्ढा क्या कहलाता है दोस्त स्टॉप क्या कहलाता है स्टॉप हो गया बेटा चल बेटा आगे बढ़ जाते हैं तो अब मैं आपको सारे के सारे एक बार बता और नाक इसकी लंबी होती है लंबी लंबी नाक बिकानेरी हा सिर के दो तियाई हिस्से में फैली रहती है अब आ जाओ इसकी बोए ये जो बोहे है ना बोहे बोहे इनके ऊपर पलकों के ऊपर पलकों के ऊपर और कानों पर होते हैं लंबे लंबे बाल जी, जी पड़ा रे जी पड़ा बोहे पर लंबे बाल है जी पड़ा जी पड़ा पलकों पर लंबे बाल है जी पड़ा जी पड़ा कानों पर लंबे बाल है जी पड़ बेटा पर्सनल क्वेश्चन का जवाब हाँ नहीं मिलेगा क्यों बावड़े हो रहे हो कभी नहीं मिलेगा बेटा पर्सनल क्वेश्चन के लिए इनको नंबर टाइप कर दो तो, पूछ लेंगे इनको ठीक है उसके बाद आ जाओ चेस्ट पेड ये नीचे वाला जो चेस्ट पेड आता ना यहाँ पर एक चेस्ट पेड वो बहुत डेवलप होता है एक भाई साहब करे आप कमेंट नहीं देखते हो एक बार कमेंट करके देख अभी एक सेकंड में उठ जाएगा उल्टा सीधा करके देख तेरे को पता लग जाएगा देखते हैं नहीं देखते हैं। देखा नहीं तूने कितने उड़ रहे आते ही स्ट्रोक पे स्ट्रोक पे लग लग रहे है, लग रहे हैं हैं सिक्सर हर कमेंट को देखता हूं बेटा बट आप शायद मुझे लग रहा है सोए हुए हो इस समय कोई बात नहीं ठीक है उठते ही हूं देखना अभी तो ये मुझे लग रहा है आ गया आपको तो ये इधर देख इधर इधर ये झीपड़ा झीपड़ा है ना ये झीपड़ा राइट है ये एक बहन जी को कोरोना हो गया लो बहन जी गए आप तो काम से इधर ये पर्सनल बातें करने नहीं आते हैं। एक बार देखती तो सही इनको भाई कैसे बच्चे हैं? कितने जुनूनी है एक का एक नौकरी लगेगा इनमें से देखना और ये आप ना कोरोना कोरोना के चक्कर में वहीं बैठे रह जाओगे बेटा देखना देखना ठीक है उधर ही रह जाओगे भाई तू भी ल उड़ा दी हो गया तो चेस्ट पेड इसका डेवलप होता है चेस्ट पेड डेवलप होता है नीचे वाला चेस्ट पेड डेवलप होता है कोई दिक्कत है नहीं कंधे इसके मजबूत होते हैं चौड़ा होता है कंधा और सीने से सटा होता है हो गया बेटा गर्दन इसकी मोटी है मोटी मोटी रे गर्दन इसकी मोटी है खड़ी टाइप में है थोड़ी है ना ज्यादा मतलब हाँ इस तरह से है और वक्रित होती है मादा में मादा में थोड़ी मुड़ी भी होती है ऐसे और नर की थोड़ी गर्दन होती है सीधे देख लो एक बार सारे करेक्टर देख लो देख लो सारे करेक्टर शरीर इसका भारी है दिखने में है आकर्षक श्रेष्ठ ये तो ब्रीड है सबसे सुंदर ब्रीड है ठीक है बेटा सबसे सुंदर ब्रीड है अधिक इसकी ऊंचाई है इधर से भाई आ गए अधिक इसकी ऊंचाई है मजबूत शरीर है बहुत एक्टिव रहता है मतलब सबसे बेस्ट मान लो आप सबसे बेस्ट मान लो अरे क्या आ गया कौन आ गया कौन आ गया अरे दो कोटियों के आदमी की, की जरूरत नहीं बेटा यहां कौन है कहां पर आ गया मेरे को मिल नहीं रहा यहां पढ़ने वाले बेवकूफों की जरूरत नहीं बेटा कहां है कुछ भी नहीं चलो जा दो पटने वाले चाहिए बेटा खानदानी आदमी कौन सा मिल रहा मेरे को नाम ही नहीं मिल रहा उसका कहा है भाई ठीक है चलो हाँ हाँ कोई बात नहीं छोटे आदमी छोटे है हो जाएंगे अपने आप हाँ, हो जाएंगे बेटा हाँ, कोई नहीं ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं हो गए शरीर इसका मजबूत है हो गया कोट का रंग कैसा बताया मैंने भूरे से काला है कभी कभी लालिमा लिए हुए होता है सम्मित इसका शरीर है बीच में से काटो बराबर कट जाता है राइट उसके बाद सम्मित शरीर है दिए बीच में से हल्का गुंबदाकार है ऐसे होता है गुंबद जैसा ललाटपुर ललाट पर आंखों के ठीक पीछे चलने का चलने का चलने का चलने का चलने का, का। गड्ढा मिलने का गड्ढा मिलने का हो गया बेटा जिसको कहते हैं स्टॉप 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 इज इट क्लियर आगे बढ़ो नाक इसकी लंबी है सिर के दो तिहाई तक इससे तक फैली है नाक भी बोहों पर पलकों पर कानों पर लंबे लंबे बाल है जिनको कहते हैं जीपड़ा मैं नहीं कह रहा लिखा हुआ जीपड़ा चेस्ट पेट यहां पर आपने देखा कि पेड़ आता है यहां ऊँटो के नीचे से चेस्ट पेड़ वो बहुत डेवलप होता है कोहनी के कोणों के बीच होता हूं कोहनी के कोनों के बीच होता है जो कोणी आती है ना आगे वाले उसके बीच में से आता है यहां पर चेस्ट पेड़ और मजबूत देखो चेस्ट पेड बड़ा विकसित होता है कोहनी के कोणों के बीच में होता है कंधे मजबूत होते हैं कंधे मजबूत होते हैं राइट चौड़े होते हैं सीने से सटे होते हैं गर्दन इसकी मोटी है गर्दन और कई बार तो खड़ी होती है देखो जनरली तो क्या होती है सीधी ऊंची होती है लेकिन मादा में क्या होती है यूं होती है राउंडली होती है वक्रित होती है बेटा मादा में कैसी होती है वक्रित बस आईएन इसके विकसित है तो बिकानेरी तो बेसिकली तो पूरी हो गिरवापो अब लेते हैं इसकी यूटिलिटी यूटिलिटी एक तो ब, सवारी के काम आती है बाहर वाहक भी है सवारी के काम आती है बाहर वाहक भी है जन्म के समय नर का बाहर होता है बत्तीस पॉइंट अड़तीस पॉइंट दोनों के जी मतलब सवा अड़तीस किलो का होता है जन्म के टाइम और मादा होती है अड़तीस किलो की सैतीस पॉइंट छियाठ राइट बेटा शरीर नर का होता है छसो सत्तर किलो मादा का होता है 650 किलो देखना भाई ऊंचाई जो होती है ना विदर तक विदर इस ये जो हम्प होता है ना हम्प उसके आगे वाला भाग को विदर बोलते बेटा जस्ट आगे थुई तक नहीं नापते हम्प तक नहीं नापते जो आगे वाला भाग है ना नीचे वाला वहां तक हैं तो वहां पर तक इसकी लंबाई आ रही है cm, दो सौ पॉइंट एक यानी कि दो मीटर दो मीटर ऊंचा होता है बेटा दो मीटर मादा होती है एक सौ नब्बे पॉइंट पांच आठ सेंटीमीटर यानी कि लगभग दो मीटर से थोड़ी कम होती है यह ऊंचाई ढंग से याद कर लेना इनकी एकदम परफेक्ट है एनआरसी केमल के द्वारा यह दस मीटर बारह मीटर छ मीटर इनको निकाल देना बेटा एग्जेक्ट याद कर लेना दो मीटर करीब हो गया यानी कि छह फिट छ मीटर वो गया रहे आपका छह फीट के करीब हो गया लगभग छह फीट के करीब हो गया और मादा भी लगभग छह फीट के करीब हो गई राइट है सही बेटा चलो फिर आगे चलते हैं हरदे का गेरा हरदे का गेरा है इसका दो सो सोलह पॉइंट चार नो दो सो सोलह पॉइंट चार नो और मादा का जो हरदे गेरा होता है यहां से जो गर्त होती है वो होती है दो सो चार पॉइंट सात चार राइट एक बार फिर से देखना एक बार मैं फिर से पूरा बिकानेरी भारी बताया, दिखने में बिक्कानेरी कैसे होते हैं, मैं एक बार दिखाई देता हूं डायग्राम में आपको एक बार फिर से याद करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रिड्स शरीर मैंने इसका भारी बताया भारी है दिखने में आकर्षक है श्रेष्ठ है बहुत सुंदर होता है ऊंचाई बहुत अच्छी होती है मजबूत बने होते हैं सक्रिय होते हैं है ना कोट का रंग यानी बालों का रंग जो होता है वो बुरे से काला होता है कभी कभी लालिमा हो सकती है है सम्मित इसका शरीर है, बराबर कट जाएगा दो भागों में और सिर होता है वो गुम्बद के जैसा होता है बेटा राइट है ललाट पर जैसे आप जाओगे गड्ढा मिलेगा जिसको स्टॉप कहते हैं इसका मेन करेक्टर है नाक लंबी है दो तिहाई हिस्से में फैली रहती है कुछ में बोहे पलके कानों पर लंबे लंबे बाल मिलते हैं जिनको बोलते हैं जीवड़ा चेस्ट पेट यहां से होता है बेटा दोनों कोहड़ियों के बीच में से होता है आगे से बहुत ज्यादा डेवलप होता है ऊंचे कंधे मजबूत कंधे होते हैं इनके सीने से सटे हुए होते हैं है ना चौड़े होते हैं कंधे और गर्दन मोटी होती है अधिक खड़ी होती है अगर मादा है तो वो नर है तो और मादा है तो थोड़ी मुड़ी होती है वक्रित होती है आई इसके विकसित होते हैं अभी जस्ट आप इसका उपयोगिता पढ़ रहे थे उपयोगिता में कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं एक तो ये सवारी के काम आता है बहारवाक आता है दूसरा शरीर भार जन्म के समय अड़तीस पॉइंट दो नो के जी होता है मादा का होता है सैतीस पॉइंट छ आठ शरीर भारत का होता है छह सौ सत्तर किलोग्राम और मादा का होता है पांच सौ साठ किलोग्राम ऊंचाई दो सौ पॉइंट एक सेंटीमीटर मादा की होती है लगभग मतलब ये लगभग दो मीटर है ये पूरी दो मीटर है वो थोड़ी दो मीटर से कम है हरदे का गेरा नर का होता है दो सौ सोलह पॉइंट चार नो मादा का होता है दो सौ चार पॉइंट सात चार लंबा बोले तो यूं लंबा मापोगे ना तो नर का होता है एक सौ बासठ पॉइंट चार एक और मादा का होता है एक सौ पचास पॉइंट सात दो ना तेरी ना मेरी ऊंट आ गया जैसलमेरी कौन सा ऊंट आ गया जैसलमेरी पूरी बिक्कानेरी याद होनी चाहिए सबसे ज्यादा अगर कोई ब्रीड में से क्वेश्चन बनता है ना बेटा तो केवल बिक्कानेरी में से बनता है और बिकानेरी का स्टॉप वाला तो बहुत ज्यादा मोस्ट है सुंदर सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा मोस्ट है सबसे अच्छी ब्रीड होती है मजबूत होती है बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे अब आ जाओ जैसलमेरी जैसलमेरी जैसलमेर बाडमेर जोधपुर की है तो इसका मूल स्थान कहां हो गया जैसलमेर बाडमेर जोधपुर का जैसलमेरी ओट जैसलमेर बाडमेर जोधपुर का जैसलमेरी ओट राइट ना तेरी ना मेरी जैसलमेरी बहुत कम वनस्पति में जहां बहुत कम पेड़ पौधे हैं वहां भी रह जाता है रेत के टीले हैं वहां भी आराम से जी लेता है तो इसको पालते ही वहां पर है जहां पर पेड़ पौधे कम होते हैं रेत के टीले होते हैं वहां पर जैसलमेरी को ज्यादा पाला जाता है तो राजस्थान का जैसलमेर समझ में आया राजस्थान का जैसलमेर नहीं, नहीं 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 ये ऑथेंटिक डाटा बेटा ये 200 मीटर वाला ना दो मीटर वाला ये तो डायरेक्टली उससे लिया हुआ है ये ऊंट मैंने डायरेक्ट एनआरसी केमल से लिया है जिन्होंने उसको डेवलप किया है राइट बेटा यूपी के टीट दिया था एग्रीकल्चर के में से साठ क्वेश्चन आपकी बुक में से आ गए भाई हर एग्जाम में साठ साठ में से अट्ठावन भाई बधाई हो आपको धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका छप्पर फाड़ दिया आपने भगवान आपको लंबी उम्र दे आई एस बढ़ाई हाँ बेटा सीधा याद हो गया दो मीटर और एक सौ नब्बे सेंटीमीटर लो भाई आपको दिखाता हूं मैं ना तेरी ना मेरी ये है ऊंट की ब्रीड जैसल मेरी मध्यम आकार सक्रिय स्वभाव उसकी तरह सक्रिय होता है शरीर इसका थोड़ा लंबा है पैर काफी लंबे बहुत ज्यादा लंबे देखो कुछ एक्स्ट्रा लंबे ही लग रहे हैं जैसे कुछ एक्स्ट्रा लंबे करवा के आए हो बाद में खिंचवा खिंचवा के नहीं लग रहे पतले भी है पैर शरीर रंग मुख्य रूप से हल्का भूरा होता है इसका देख लो आप डायग्राम में हल्का भूरा है दिख रहा है तो अच्छा इसकी बिल्कुल ही पतली होती है शरीर पर बाल बहुत छोटे होते हैं आयन जो होती है ना मादा उसके आयन होते हैं गोलाकार मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से ध्यान देना इसका ये होती है बेटा मध्यम आकार की मध्यम आकार की मध्यम आकार की सक्रिय स्वभाव है इसका बहुत एक्टिव रहती है शरीर काफी लंबा है इसका राइट है पैर काफी लंबे और पतले हैं राइट भाई और त्वचा तो अच्छा इसकी बिल्कुल पतली है शरीर पर छोटे बाल है इसके एकदम गोलाकार अगर फीमेल है तो संकीर्ण थूतल होती है यहां से ज्यादा चौड़ा नहीं होता सकड़ा होता है और छोटा सा सिर होता है इसका जैसे मेरी का सिर छोटा होता है बेटा मुंह भी हाँ मुंह और गर्दन बिल्कुल ही पतली होती है आंखें इनकी बड़ी होती है ललाट जो आगे का ललाट है वो गुंबदाकार होता है लेकिन स्टॉप नहीं होता रे बाबा स्टॉप केवल एक ही जगह मिलता है बिक्कानेरी ना तेरी ना मेरी स्टॉप मिलेगा बिकानेरी दोबारा देखो एकदम किताब में मिल रहा होगा मैचिंग हो रहा है मध्यम आकार सक्रिय स्वभाव शरीर लंबा पैर तो बहुत ज्यादा लंबे है शरीर मुख्य रूप से हल्का भूरे रंग का होता है त्वचा तो अच्छा इसकी पतली होती है शरीर पर छोटे छोटे बाल आते हैं और ज्यादातर ये गोलाकार अयन रखने वाली मादा होती है संकीर्ण थूतन है छोटा छोटा इसका सिर है गर्दन भी छोटी सिर भी छोटा पतली गर्दन सेम है आंखें इसकी थोड़ी बड़ी है ललाट एकदम गुम्बदाकार इसका गुंबदाकार नहीं सॉरी उसका गुमबदाकार था ललाट इसका गुंबदाकार नहीं है ना तो गुम्बदाकार है और ना ही स्टोप है दोनों चीज इसमें नहीं पाई जाती और पलकों पर कानों पर भी झीपड़ा या बाढ़ नहीं होते नहीं होते ठीक है बेटा हाँ गुमदाकार नहीं है सॉरी नहीं है गुमदाकार केवल बिकानेरी होता है कितने अच्छे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बेटा वेरी गुड हाँ नहीं होता है मैंने ध्यान थोड़ा दिया नहीं देखो मध्यम इसका आकार है सक्रिय इसका स्वभाव है हाँ जीपड़ा नहीं होते इसके और शरीर इसका लंबा है पैर भी काफी लंबे हैं शरीर मुख्य रूप से हल्का बुरा तो अच्छा इसकी पतली है राइट बेटा शरीर पर बाल एकदम छोटे शरीर पर बाल एकदम छोटे आईएन अगर मादा है तो गोलाकार है हो गया भाई आईएन अगर गोलाकार है तो बल मादा है तो आईएन कैसे आएंगे गोलाकार ठीक है और संकीर्ण इसका थूथन है संकीर्ण इसका थूथन छोटा सा गर्दन भी है पतली मुंह भी एकदम पतला है आंखें इसकी बड़ी बड़ी है बड़ी बड़ी ललाट नहीं है गुम्बदाकार गुमदाकार नहीं, नहीं है बेटा और स्टॉप नहीं है गुम्बदाकार भी नहीं स्टॉप भी नहीं है बोहों पर उसकी तरह झीपड़े नहीं है पलकों पर झीपड़े नहीं है कानों पर भी झीपड़े नहीं है मतलब बाल नहीं है राइट अब लेते हैं क्या काम में आते हैं तेरे जैसल मेरी ऊट यूटिलिटी एक तो एक जो ट्रेन ऊंट है जिसको ट्रेनिंग दी हुई है वो एक ठंडी रात में ना सो से लेके 140 किलोमीटर तक चल जाता है इसका चलना इसका बहुत अच्छा है एक ट्रेंड किया हुआ ऊंट है जिसको ट्रेनिंग दी हुई है प्रशिक्षित है वो एक ठंडी रात हो गर्मी नहीं होनी चाहिए ठंडी रात होनी चाहिए तो सो से 140 किलोमीटर पूरी रात में निकाल देता है इसको आर्मी में बहुत काम में लेते आर्मी वाले आर्मी में पुलिस में यही काम आता है याद कर लेना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आर्मी में जैसल मेरी जैसल मेरी जैसल मेरी पुलिस वालों के पास जैसल मेरी जैसल मेरी जैसल मेरी आर्मी वालों के पास जैसल मेरी जैसल मेरी ना तेरी ना मेरी आर्मी वालों के पास जैसल मेरी पुलिस वालों के पास भी मेरी सर्कस में भी काम आते हैं। सर्कस में करतब दिखाते कभी देखना ऊंट डांस करते हैं कई बार ना मेले वगैरह में पुष्कर वगैरह में तो सर्कस में और दौड़ लगाने के लिए भी अच्छे होते हैं तेरे जैसलमेरी तो एक ठंडी रात में सौ से 140 किलोमीटर चल जाता है जैसलमेरी पुलिस वालों के पास जैसलमेरी आर्मी वालों के पास जैसलमेरी सर्कस वालों के पास जैसलमेरी दौड़ लगाए तो भी जैसलमेरे शरीर बार शरीर बार जन्म के समय नर का बार होता है सैतीस किलोग्राम मादा भी होती है सैतीस किलोग्राम की राइट है ना बेटा जन्म के समय नर 37 का मादा भी सैतीस और बड़े होने पे नर पांच सौ का मादा पांच सौ उन्नीस की रह गई इसका मतलब ज्यादा डेवलप कौन हुआ नर ऊंचाई विदर तक विदर मैंने आपको कहा था जो जस्ट ये वाला ये वाला अरे भाई ये वाला जो भाग होता है ना ये वाला इसको बोलते बड़ा विदर जस्ट जो हम पे उसके आगे वाला भाग ठीक है वो वाला भाग होता है तो उपयोगिता ये चल रही थी हम्म तो बड़े होने पे नर कितने का हो गया पांच सौ तिरानवे का और मादा हो गई पांच सौ उन्नीस किलो के ऊंचाई मैंने विदर तक बताई जस्ट जो हम पे उसके आगे एक सेंटीमीटर मतलब वो दो सेंटीमीटर का था ये एक का है राइट और हरदे का गहरा है दो सेंटीमीटर बताओ उत्तर प्रदेश में थुई बोलते हैं। सच्ची में उस हम्प को थुई बोलते हैं। क्या बात शरीर लंबाई इसकी एक सेंटीमीटर ही होती है शरीर की लंबाई कितनी होती है एक सही है दोबारा देखो ऊंचाई एक सौ निन्यानवे अर्दे 211 दो और शरीर लंबा एक सेंटीमीटर आई रे आई रे मेवाड़ी आई रे अगला ओठ मेवाड़ी ऊच मेवाड़ी मेवाड़ी अगर कभी आप छोटे बचपन में कभी देखा हो है ना ऐसे बोलते थे कि भाई ऐसे क्यों नाराज हो रहा है तू तेरे होट क्यों लटके हुए नीचे वाले मेवाड़ी सांड की तरह है? मेवाड़ी सांड की तरह मतलब मेवाड़ी जो सांड होती है ना ये वाली ये तो इसका नीचे वाला होट लटका हुआ होता है ऐसे बोलते हैं गांव में गांव में होते, बोलते बेटा ठीक है लंबाई कहां से कहां लेते बेटा मैंने खूब पडार का खूब पटार कर पुराने वीडियोज में जाके देखना सब पडार का नाप नाप के पटारकाई हूं लंबाई सीने का एकदम चित्रों लाइन लाइन टू टू वर्ड वर्ड ऊंट चल रहा है ना जो पशु का बाहर याद करने वाला सेकेंड या थर्ड क्लास में मैंने डिटेल बता रखी है बेटा मालवी इसका नाम है मेवाड़ी का दूसरा नाम है मालवी 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 माल मेवाड़ी मेवाड़ी मालवी ये दूध उत्पादन अच्छा देती है मेवाड़ी है बाई सबसे ज्यादा मेवाड़ी है बाई सबसे ये ज्यादा दूध देवे मेवाड़ी मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है मेवाड़ी का मेवाड़ी का मेवाड़ी का मेवाड़ी का मेवाड़ी का मेवाड़ी ऊटनी सबसे ये ज्यादा दूध मेवाड़ी ऊटनी सबसे ज्यादा दूध अब ये है कहा की मेवाड़ की तो राजस्थान का मेवाड़ और मेवाड़ में आता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद और किसी टाइम में इसी मेवाड़ में आया करता था नीमच और मंदसौर मेवाड़ी है भाईमी है भाई सबसे ज्यादा दूध लिया मेवाड़ी है भाई याद हो गया क्वेश्चन एक।, एक मिनट में याद हो गया एक गाने से तो राजस्थान का जो मेवाड़ एरिया है एक्चुअली मेवाड़ एरिया कभी किसी जमाने में इन सबको कवर करता था बेटा आज भी मेवाड़ उदयपुर मेवाड़ में उदयपुर आता है चित्तौड़गढ़ आता है राजसमंद आता है लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस मेवाड़ में मेवाड़ रियासत में नीमच और मंदसोर भी आया करते थे तो पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा मेवाड़ है ना जिसमें मध्य प्रदेश वाले कुछ जिले आ गए और उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद आ गया ये पूरा का पूरा बेटा इसका उद्गम स्थल माना जाता है नेटिव प्लेस माना जाता है राजस्थान में ज्यादा कहा पालते हैं हाड़ौती में हाड़ोती में ज्यादा पालते इसको भीलवाड़ा में पालते हैं बांसवाड़ा में पालते मेवाड़ी को और डूंगरपुर में भी पालते हैं भीलवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर या यूं कह दो हाडोती में ज्यादा पालन करते है कैसा है मेरा ये मेवाड़ी ये बिकानेरी नस्ल की तुलना में थोड़ा मोटा होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है बिकानेरी की बिकानेरी बेस्ट है बिक्कानेरी नंबर वन पे आती है बेटा बिकानेरी नंबर वन पे आती है बाकी उससे ही कंपेरिजन होता है सबका तो बिकानेरी नस्ल की तुलना में थोड़ा मोटा ही लेकिन थोड़ा छोटा ही पिछला एक बेटा चार भाग जो है ना बेटा पिछला वन फोर्थ वो तो बहुत ज्यादा मजबूत होता है इसका भारी इसका पेड़ इसके बारी होते हैं कठोर होते हैं और मोटा फुटपेड यहां पर फुटपेड़ था टेस्ट पेड़ वो इसका मोटा होता है तो पिछला एक बटा चार भाग मजबूत होता है बॉडी का भारी पैर होते हैं कठोर होता है ये और मोटा फुट पेड़ पाया जाता है बाकी हाड़ोती तो जानते हो क्या हाड़ोती हाड़ती हाड़ोती कोटा बूंदी ये वाला एरिया बांसवाड़ा बिलवाड़ा ये इधर ज़्यादा करते हैं ठीक है भाई हाँ कंपेरिजन हमेशा बेस्ट से होता है तो इसके मुकाबले अब मैं आपको दिखाऊँगा केश ही ये मेवाड़ी इसका ये नीचे वाला जो रोड है ना रोड ये लटका होता है बेटा ठीक है बेटा इसको बताओ बच्चे को झीपड़ा ऊंट किसे कहते हैं बेटा लेट हो गया फिर क्वेश्चन और पूछ रहा है लेट होने वाले बच्चे को क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए उसको वापस जाके पहले पढ़ना चाहिए फिर अगली क्लास में पूछना चाहिए ठीक है बेटा ये क्या जंगली मधुमक्खियों से बचने के लिए और कीटों से बचने के लिए भगवान ने इसके मोटे मोटे बाढ़ दिए जंगली मधुमक्खियों और कीटों से सुरक्षा के लिए महाप्रभु ने इसके मोटे मोटे बाल लगाए मोटे मोटे बाल दिए तो मधुमक्खियों से जंगली मधुमक्खियों से बचने के लिए कीटों से बचने के लिए इसके शरीर पर होते हैं मोटे मोटे बाल जी शरीर रंग कैसा होता है हल्के बूरे से लेके गहरा बूरा ये तो कुछ ज्यादा ही गहरा बुरा है काले की तरफ जा रहा है राइट तो शरीर रंग कैसा हो गया हल्के भूरे से गहरा भूरा और कभी कभी बिल्कुल प्योर सफेद भी हो सकता है एकदम प्योर व्हाइट सही, सही है हाँ ऐसा कलर ऐसी विशेषता केवल मेवाड़ी में मिलती है कि कोई काला है कोई भूरा है कोई सफेद है ऐसा तेरा मेवाड़ी है देखो कोई काला है कोई भूरा है कोई गहरा भूरा हल्का भूरा कोई सफेद कोई सफेद इसमें मिलता मेवाड़ी नस्ल कहलाती है ऐसा केवल इसमें ही होता है राइट है कोई काला है कोई भूरा है वही कोई हल्का भूरा गहरा भूरा कभी कभी एकदम सफेद कभी कभी एकदम सफेद ऐसा केवल इसी मिलता है बाकी किसी में नहीं मिलता बाकी सब में फिक्स कलर आता है सिर इसका भारी है सिर इसका भारी है मोटी गर्दन है स्टॉप नहीं होता बाबा स्टॉप तो भगवान ने किसको दिया बिकानेरी को ऐसे ललाट पे चलने का बस को सीधा जाके गड्ढे में गिरने का ऐसा केवल भगवान ने वरदान दिया बिकानेरी को थूथन इसका ढीला होता है यहां वाला एरिया ढीला ढीला होता है कान इसके मोटे होते कान मोटे मोटे जी छोटे जी राइट right? लंबी इसकी पूछ है पूछे दिखाई दो। लंबी है इसकी पूछ लंबी इसकी पूछ पूछ, पूछ।, पूछ। लंबी बोटी है मादा में जो अयन होते हैं भाई दूध के लिए पालते इसका मतलब मादा के अयन कैसे होंगे विकसित, विकसित, विकसित। दुग्ध सिराए उभरी होती है देखो दुग्ध सिराए उभरी होना अयन का विकसित होना ये किसी भी मादा पशु के अच्छे दूध देने का संकेत होता है तो ये अच्छे दूध देने वाला संकेत ही तो है भाई ये अच्छा दूध देने वाला संकेत ही तो है ठीक है भाई बढ़िया संकेत है ज्यादातर ऊंटों में सबसे मेन कैरेक्टर आ रहा है मेवाड़ी सांड में मतलब मेवाड़ी ऊंटों में लटका होता है मेवाड़ी ऊंटों में लटका होता है ओट ठीक है मेवाडी तो मुझे लग रहा है सबको याद हो गया मधुमक्खियों से बचाने के लिए कीटों से सुरक्षा के लिए मोटे मोटे जी बाल गहरे बुरे से हल्के बुरे से गहरे बुरे रंग और कभी कभी सफेद होता जी सिर भारी होता मोटी गर्दन होती स्टोप नहीं होता जी राइट कान इसके मोटे जी छोटे जी पूछ इसकी लंबी जी मोटी जी मादा के अयन सुविकसित होती जी दुग्ध सिराए उभरी उभरी होती जी अधिकांश ऊंटों में निचला होट लटका लटका जी बस बेवाड़ी साउंड नीचे वाला होट लटका लटका उपयोगिता यात्रा करने और पहाड़ों में भार ढोने के लिए बेस्ट क्वेश्चन पहाड़ों में चाहिए ऊंट मेवाड़ी चाहिए ऊंट पहाड़ों में चाहिए ऊंट मेवाड़ी चाहिए ऊंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी आपको घूमने जाना है यात्रा करना है तो मेवाड़ी पहाड़ों में वजन उठाना है पहाड़ों में चढ़ना है तो मेवाड़ी इसकी एवरेज जो गति होती, हो, होती है वो तीन से पांच किलोमीटर प्रति घंटे होती है दूध भी बढ़िया देती है देखो आप दूध देखो भैंस भी टक्कर में है मतलब भैंसों के टक्कर में है दूध के मामले में दूध के मामले में भैंसों के टक्कर में है तेरी मेवाड़ी साठ राइट हाँ पहाड़ों में चलते हैं चढ़ाई पे चढ़ते हैं बेटा ऐसे बिल्कुल पहाड़ पे तो नहीं चढ़ेंगे लेकिन रास्ते होते हैं ना वहां पर चढ़ जाते हैं हो गया भाई हां पहाड़ों के लिए मेवाड़ी वजन ढोने के लिए पहाड़ों में मेवाड़ी राइट बेटा स्पीड क्या रहती है तीन से पांच किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहती है दूध देखो आप भैंस को टक्कर दे रहा है तगड़े वाला ऊंचाई देखो सबसे ऊंचा आएगा इनमें से 208 सेंटीमीटर नर तो मादा एक सौ तो नर भी ठीक ऊंचा है मादा भी अच्छी ऊंची है हरदे का घेरा नर का 204 सेंटीमीटर होता है मादा का एक सौ तिरानवे होता है राइट नर एक सौ साठ सेंटीमीटर लंबाई रखता है मादा एक सौ अट्ठावन सेंटीमीटर लंबाई रखती है मानस अगला ऊट कच्छी कच्ची रे अगली ऊंट की ब्रीड आई कच्ची रे अगली ब्रीड है कच्छे कच्छ की है कच्छ क्षेत्र की कच्छ क्षेत्र अरे मानस हो गया मानस तगड़ा आदमी यार सुपरमैन है भाई चला इसको हो गया ये कहा मिलती है इसका नाम है कच्छी तो मिलती कितने भाई कच्छ के रण में तो गुजरात के कच्छ के रण की उत्पत्ति मानी जाती है कच्छी की फिर मिलती पर है बनास काठा जिले में मिलती है उधर प्रजनन स्थल लवन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो लवणीय झाड़ियां नमकीन झाड़ियां या लवण में जो ना कच, कच्का, कच्का, है ना का का रेगिस्तान आपको पता है रण का रण है वो नमक वाला रेगिस्तान है तो वहां पर नमक वाली झाड़ियां उगती है दल दल टाइप में तो उनको उनके लिए बढ़िया है ये क्वेश्चन है इसका कि ऐसी ऊंट की नस्ल जो लवणीय झाड़ियों यानी कि जो सेलाइन सॉइल होती है उनमें उगने वाली झाड़ियों को और दलदली भूमि में रहने के लिए अनुकूलित होती है उसका उत्तर आएगा कच्छी कच्छी लवणीय झाड़िया खावे दलदली में रह वह कच्ची कच्ची रह लवनीय झाड़ियां खावे दल दल में रहवे ऐसी होती है तेरी कच्ची ब्रेड गया बेटा आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं कैसा ऊंट है कच्ची आ गया हां नमक वाली झाड़ियां खाने का दलदली में रहने का ऐसा होता है तेरा कच्ची ऊंट कच्छ के रणकाई ये बुरे से लेके गहरे बुरे रंग का होता है देखो देखे एक अच्छी बुरे से गहरा बोरा एक अच्छी ग... बुरे से गहरा बोरा पलकों पे बाल नहीं होते रे बाबा जीपड़ा केवल बिक्कानेरी में मिलते रे बाबा जीपड़ा केवल बिकानेरी में मिलते रे बाबा पलकों पे कानों पे जीपड़ा इसके नहीं होते रे बाबा बाल इसके मोटे होते हैं एक तो वो क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है कि कौन सी नस्ल है जिसके बाल कुछ ज्यादा ही मोटे होते ताकि मधुमक्खियां नहीं खाए उसको ताकि कीट नहीं लगे वो तो मेवाड़ी से वो तो मेवाड़ी से हो गया मेवाड़ी से जिसके बाल मोटे मोटे मधुमक्खियां नहीं खा सकती उसको ऐसे हाँ मोटे होते है। इसके भी मोटे होते स्टॉप इसके भी नहीं होता स्टॉप तो भगवान ने केवल एक को ही दिया भाई स्टॉप तो स्टॉप तो भगवान ने केवल एक को ही दिया है बिकानेरी राइट right? शरीर आकार इसका मध्यम बेटा बड़ी ना छोटी दिखने में भारी लगता है लेकिन मीडियम आकार का होता है सुस्त होता है डीलो डीलो चले मारो कची रे धीरे धीरे चले मारो कची ऊटड़ो हाँ एक को ही दिया है भगवान ने स्टॉप दिखने में भारी है सुस्त है निचला होट इसका भी लटका लटका सा तो दांत दूर से ही दिख जाते हैं मतलब ये ऊंट ना स्माइल मारता हुआ दिखता है स्माइल देखो स्माइल मारता दिखता है बेटा स्माइल मार रहा है क्योंकि आगे ये होट हमेशा इसका भी नीचे ही लटका रहता है इसलिए नीचे के दांत दिखते तो ऐसे लगता है जैसे ऊंट स्माइल दे रही कौन सा माइल दे रही स्माइल दे रही ऊट क्या दे रहा है स्माइल आओ बच्चों तुम्हें बताऊं क्या क्या इसके करेक्टर है सामान्यतः से गहरे बुरे रंग का पलकों पे बाल नहीं कानों पे बाल नहीं बाल मोटे है जो है स्टॉप बिल्कुल नहीं शरीर आकार आजा भाई पटेल आजा शरीर आकार इसका मीडियम है दिखने में भारी दिखता है आकार मीडियम होता है सुस्त होता ही निचला होट हमेशा नीचे लटकने से स्माइल देता हुआ ही लगता है दूर से ही दांत नजर आते हैं वो नहीं भाई दांत क्यों निकाल रहा है परमानेंट निकले हुए अगले गई राम जी के घर से ही निकले हुए हो गया अब एक छोटा सा ऊंट और दिखाता हूं आपको छोटा सा ही है ना वो है जालोरी 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 ऊंट इसका दूसरा नाम है सांचोरी ऊट जालोरी भी कहवे है सांचोरी भी कहवे है इसका देखो वो पहले वाला जो था ना उसकी मोटी मोटी बातें लिए है वो क्या ब्रीड बाई नेम सिलेबस में नहीं है बेटा बाई नेम वो सिलेबस में नहीं है बाई नेम आपके तीन ही है कौन कौन सी एक बिकानेरी है एक आपकी जैसलमेरी है एक मेवाड़ी है तो जो कच्ची है ना वो नहीं है बाई नेम नहीं है इसलिए मैंने मोस्ट मोस्ट ले लिया जाड़ियों वाले रे क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में वैसे नहीं है जालोरी ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन इसकी मोटी बातें ले ली इसको सांचोरी भी कहते हैं जालोरी देवासी समुदाय पालता है बेटा सिरोई में ज्यादा पालता है देवासी जालोरी भी साोरी भी राइट भाई शरीर इसका बुरा है भाई साहब भाई साहब भाई साहब देखिए इसका शरीर बुरा है देखिए भाई साहब जालोरी को देखिए देखिए भाई साहब देखने का कोई पैसा नहीं है एकदम बुरे रंग का है देवासी समुदाय इसको पालता है सिरोई में ज्यादा पालता है अब एक ऊंट और होता है नाचना ऊंट उसका मोटे मोटे लिए देखो इसके क्वेश्चन जनरल लिए कि भाई सांचोरी, जालोरी देवासी पालते हैं सिरोई में पालते रंग बोरा होता है बहुत है अब आ जाओ नाचना नाचना जैसलमेर के नाचना गांव के इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में क्योंकि सबसे तेज दौड़ता है नाचना तो नाम है नाचना आता नहीं इसको लेकिन दौड़ता बहुत तेज है भाई इसलिए क्वेश्चन आता है ठीक है हाँ नाचना उधर का ही है जैसलमेर के आसपास का ही इसलिए इसको हां इसको ना दौड़ना तेज आता ही नाचना नहीं आता ही हो गया चलो बेटा पक्का अन्य नाम भी इस आ, कुछ नस्लें और भी होती सॉरी पूरी हो गई अलवरी भी ऊंट की नस्ल आती है अलवरी कौन सी लवरी अलवरी और मारवाड़ी भी आती हो गया सिंधी भी आता है एक ऊंट तो रहेगा सिंधी ऊँट तो सिंधी है सिंधी हाँ सब नाचने गए एक बार बात हुई थी ना अपने वो ही है। ये ऊंट की ब्रीड दो हां नाचना गांव है बिल्कुल बेटा है नाचना चांदन के पास भी अब लेते हैं जनरल ऊंट विश्व में सबसे ज्यादा ऊट किस देश में सोमालिया सोमालिया ओ, ओ सोमालिया सोमालिया कंट्री में दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंट है हिंदुस्तान तो नब्बे नंबर पे आता है ऊंट में इंडिया पहले नंबर में नहीं है वर्ल्ड के अंदर इंडिया तो नब्बे नंबर पे आता है नाइन्थ पोजीशन पे बेटा ध्यान आपको मैंने जनरल में पढ़ा दिया भारत में राजस्थान एक नंबर पे भारत में राजस्थान ऑन द टॉप बीसवीं पशुगणना जो 2019 में हुई थी उसके अनुसार कितने है भारत में 0.25 मिलियन 0.25 मिलियन यानी कि लगभग ढाई लाख हो गया तीसरा राजस्थान में कितने हैं राजस्थान में कितने हैं दो उन्सवी जनगणना के अनुसार तो राजस्थान में बेटा 0.21 मिलियन टन वो, मिलियन टन क्या मिलियन आप देखो एक बार अब बताओ इंडिया में बाकी कितने रह गए इसमें से माइनस करो पांच में से एक गया तो चार दो में से दो गया तो जीरो और जीरो बाकी इंडिया में जीरो पॉइंट जीरो चार मिलियन ये बस देखो आप राजस्थान में कितने ऊंट है पूरे इन, पूरा इंडिया एक राजस्थान अकेला एक तरफ है पता है कितने परसेंट हो गए पिच्यासी छियासी परसेंट करीब है ये इसमें से इतना कितना बढ़ जाता है पिच्यासी से लेके छियासी परसेंट तो जितने इंडिया में ऊंट है ना बेटा इंडिया के जितने ऊंट है ना उसमें राजस्थान में पिचासी से छियासी परसेंट ऊँट है पूरे इंडिया के 85 से छियासी परसेंट ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं 85 फाइव टू एटी सिक्स एट्टी फाइव टू एट्टी सिक्स कैसे आएंगे भाई साहब भाई साहब आप निकाल लो ना किताबों मत पढ़ो खुद ही निकाल लो इतने में से इतने तो एक में से कितना होगा इतने बटा इतने हो जाएंगे इन सो तो ये एट्टी फाइव पॉइंट समथिंग आएगा बेटा एट्टी फाइव पॉइंट आएगा तो एट्टी फाइव टू सिक्स के बीच में मानते हैं ठीक है विश्व के दूध उत्पादन में उटो का योगदान इन्ना सा है है इंडिया में जित, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में जितना दूध उत्पादन होता है उनमें ऊंटों ने भी अपना दबदबा कायम कर रखा है मतलब बिल्कुल ही कम है लेकिन है जीरो पॉइंट दो परसेंट तो एक बार फिर से देखो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंट सोमालिया में भारत में राजस्थान राजस्थान में जीरो पॉइंट दो एक मिलियन भारत में जीरो पॉइंट दो पांच मिलियन तो कितना परसेंट हो गया पीछे से छियासी परसेंट हो गया विश्व के दूध उत्पादन में ऊंटों का योगदान सिर्फ पॉइंट दो परसेंट है कोई दिक्कत है दिक्कत है तो भी पॉइंट दो एक पॉइंट दो परसेंट ही विश्व में मैंने अभी जस्ट ही बताया आपको विश्व में ऊंटों में भारत का नवा नंबर है आठ इससे ज्यादा आठ देश ऐसे हैं जहां भारत से ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं और भारत आता है नवे पे भाई नवे पे ऊंट में भारत नवे पे नवे पे नवे पे राइट जय हो महाप्रभु जय हो आपकी विश्व के हां भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान ऑलरेडी बात हो चुकी है राजस्थान में बाडमेर और सबसे कम झालावाड़ राजस्थान में भी बाडमेर में सबसे ज्यादा ऊंट है और झालावाड़ में तो गिनती के ही है झालावाड़ में दो गिनती के ही है तीस जून 2014 को बीजेपी सरकार वसुंधरा राजे मैम सीएम और इन्होंने ऊंट को बना दिया स्टेट एनिमल स्टेट एनिमल तो 30 जून 2014 को इसको बना दिया गया राज्य पशु या राजकीय पशु राइट इसका दंत सूत्र बनता है ये वाला दो बटा छ मतलब पहले पहले कौन आता है इन सीजर तो इन सीजर कितने हो गए आई बटा आई ऊपर वाले जबड़े में कितने है? नीचे वाले में कितने बताओ देखे फिर आता है केनाइंस केनाइंस सी बटा सी फिर आता है चार आते हैं ना इंसीजर केनाइंस प्रीमोलर अबे पांच कैसे आगे अरे पहले कौन था ये बेटा क्या करने में आप ऐसे नहीं बेटा आपको पढ़ना तो सिस्टम से पढ़ लो पहले कौन था सबको पता है इतना छोटा सा क्वेश्चन है आपको भी पता है केवल इसलिए भाई मेरे क्वेश्चन पे गौर करे गुरु जी ऐसे मतलब को बेटा उड़ जाओगे आप यहां से उड़ जाओगे बेटा है ना उड़ जाओगे पहले इंसीजर कैनाइंस प्रीमोलर मोलर तो फिर एक एक क्या रह गया एक एक क्या रह गया इसका मतलब एक कोई अलग ही दांत आता है इसके और आगे और आता है भाई क्वेश्चन बेटा वही टाइप करो जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो ऐसे खीरा तरबूज और मतीरार ये मतलब बेटा ये बाकी बच्चे आपके खीरा क्वेश्चन सुनने नहीं आए इनको ऊंट चाहिए आज की तारीख में ये माइंडली तैयार है ऊंट चाहिए इनको ऊंट के बारे में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इसके लिए आए हुए हैं इनको सब आते हैं खीरा सब आते हैं बेटा इसलिए ऐसे मत करो बेटा अच्छी चीज लेके आओ अच्छी चीज लेके आओ अच्छा लगता है तो धन सूत्र क्या हो गया मुझे लग रहा है एक शायद एक्स्ट्रा हो गया दिखता है इसमें वो मानस खाने वाले तो वो तो आ गए ना बेटा मानस खाने वाले तो यही तो होते हैं मानस खाने वाले दोपहर ही आते हैं मतलब मांस खाने वाले दो पर आते हैं ये होता है इनसीजर ये मांस वाले हो गए केनाइंस बटा केनाइंस फिर प्रीमोलर बटा प्रीमोलर प्लस मोलर बटा मोलर यही होते हैं सूत्र तो इतने आते हैं अब तो कील दंत आ गए ना केनाइंस वो तो आते हैं मांस वाले शायद यहां तक ही आएगा मुझे लग रहा है ऐसे क्योंकि दंत सूत्र इतना ही होता है आई थिंक मे बी और कंफर्म कर लें अब ऊंट के पेट में आमाशय के तीन ही भाग होते थ्री सभी जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय के होते हैं चार भाग हाँ पांचवा होता नहीं यही तो मैं कह रहा हूं सभी जुगाली करने वाले पशुओं का आमा से बटा होता है चार भागों में लेकिन ऊंट का बटा होता है तीन भागों में दुनिया का वेरी मोस्ट क्वेश्चन बेटा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई आमा से का तीन तीन भाग रहे बाकी तो सारे बाकी तो सारे चार चार आमा से के भाग रहे वो तीन कौन से है रोमेन आ जा रोमेन आ जा चल आ गया रोमेन रेटिकुलम, राइट रूमेन रेटिकुलम और एबोमेज़ब, तो कौन सा नहीं आया ओमेजम ओमेज़ब, कौन सा नहीं आया ओमेजम ओमेज़ब, कौन सा नहीं आया ओमेजम ओमेजम इसलिए इसको शुडो रोमिनट भी कहते हैं देखो कितने शुद्ध हिंदी आबासी रोमन थी बेटा आभासी रोमन थी याद करने के बजाय ना इसको शुडो रिमिनेंट करो शुडो मीन्स आभासी होता है रोमिनेट का मतलब तो रोमन थी होता है लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी के चक्कर में ना कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है इसलिए इसको कहो कि भैया इसके ओमेजम है ही नहीं इसलिए हम इसको कहेंगे शुडो रोमिनेट रोमिनेट कहते हैं जुगाली करने वालों को रोमिनेट रोमिनट जुगाली करने वाले रोमिनेट रोमिनेट है जुगाली करने वाले लेकिन इसके जुगाली करने वाले होने के बावजूद इसके ना ओरिजिनल आमा से नहीं होता मतलब ओमेजम नहीं होता इसलिए इसको बोलते हैं शुडो रूमिनेंटो शुडो रूमिनेट हां दोनों के लिए तो और अच्छी बात है मतलब यही करना मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूं यही करना बेटा वो मत करना हिंदी का शब्द याद मत करना बेटा राइट भारत में मुख्यतया ऊंट पालने वाले क्षेत्र कौन कौन से है उत्तर पश्चिमी भाग हिंदुस्तान में नॉर्थ वेस्ट जिसमें राजस्थान आ गया हरियाणा आ गया पंजाब आ गया गुजरात आ गया ये चारों स्टेट है जो उत्तर पश्चिम भाग में आते हैं केवल यही ऊंट पालते हैं बाकी इंडिया में ऊंट ज्यादा नहीं पाला जाता है तो मेजर मेजर ए, केमल केमल रियरिंग एरिया इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इन विच राजस्थान हरियाणा पंजाब एंड गुजरात कम्स इनक्लूड्स कोई बात नहीं इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं और देख लेंगे बेटा अगले में देख लेंगे है ना तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही सबसे ज्यादा ऊंट पालता है जिसमें राजस्थान आ गया हरियाणा आ गया पंजाब आ गया गुजरात आ गया ठीक है बेटा ये जो इसकी कुबड़ आती है ना कुबड़ ये कोई ऐसे ही नहीं लगाई उस प्रभु ने उस परमपिता ने न जाने कितनी बार सोचा न जाने उसके दिमाग में कितनी बातें आई आखिरकार उसने फैसला किया कुबड़ लगाऊंगा ऊंट के और वो कुबड़ इसलिए लगाए क्योंकि उसके अंदर होते हैं फेटी टिश्यूज फेटी टिश्यूज वसीय उत्तक और उन वसीय उत्तकों में होती है संग्रहित वसा संग्रहित वसा स्टोर्ड फैट राइट इसलिए ना वो उस फेटी टिश्यूज की वजह से वसीय उत्तकों की वजह से और उस वसा स्टोर्ड फैट्स की वजह से वो बेटा गर्मी भी सहन करता है और सात दिन तक बिना पानी पिए भी रह जाता है ये है ऊट ये कौन है और तो ये जो न, कुबड़ है। ये जो कुबड़ आई इसमें क्या क्या बताया मैंने क्या क्या बताया मैंने भाई इसमें बताया एक तो वसीय उत्तक होते हैं यानी कि वसा को इकट्ठा करने वाले टिश्यूज जानते हो उनको टेक्निकली क्या बोलते हैं वसीय उत्तकों वो कोई है आपने जो जानता है कि वसी उत्तकों को टेक्निकली ये वर्ड यूज करते हैं बताना मेरे को उसके बाद और क्या होता है और भारी होती है इनके अंदर वसी उत्तकों में भरा क्या होता है वसा संग्रहित रहती है इस वसीय उत्तकों में क्या भरा होता है बेटा वसा का संग्रहण होता है यस उनको बोलते हैं एडीपोज टिश्यू एडिपोज़ टिश्यू बहुत अच्छा बच्चा है कोई कोई बहुत अच्छा बच्चा है बेटा उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू वसी उत्तक मत कहो उनको वसी उत्तक मत कहो बेटा उनको बोलते हैं एडिपोज़ टिश्यू करेक्ट वर्ड है टेक्निकली उनके लिए वर्ड यूज करते हैं एडिपोज़ टिश्यू राइट एडिपोज तो एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर हमारी बॉडी में भी होते हैं हमारी बॉडी में भी जहां फे जहां फेट इकट्ठी होती है बेटा जहां जहां वो सब एडिपोज टिश्यू करते हैं तो एडिपोज टिश्यू या वसी तक पाए जाते हैं जिनमें वसा भरी होती है वसा भरी होती है और इस वसा के कारण ही एक तो यह गर्मी सहन कर जाता है गर्मी सहन कर जाता है गर्मी सहन इसके कारण ही और दूसरा सात दिन तक सात दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है सेवन डेज विदाउट वाटर इट कैन सर्वाइव इट कैन सर्वाइव सेवन डेज विदाउट वाटर इसकी जो थुई होती है काम की उस परमपिता ने बहुत सोच के लगाई है कि जा ऊंट जा इसमें तेरे वसाही बरी रहेगी हमेशा इसमें तेरे वसाही भरी रहेगी और जब जब तुझे लगेगा पानी नहीं मिल रहा तो ये फेट तुझे काम में आती रहेगी सात दिन तक तू बिना पानी पीने रह जाएगा बस उसने कहा जो आ गया प्रभु बस जंदाड़ को धन देख लो और आज को धन देख लो ये ऐसा ही हो गया राइट बेटा आ गया समझ में एकदम क्लियर होना चाहिए मस्त वाला क्लियर ऐसे काम चलो मत पढ़ना तो कुबड़ में क्या मिला एडिपोज टिश्यूज और उसके अंदर संग्रहित वसा जिसके कारण ये गर्मी भी सहन कर जाता है सात दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। टिश्यूज के सात नाम और होते हैं टेक्निकल हो सकते हैं है ना पर जनरली बायोलॉजी में ना उसको एडिपोज टिश्यू बोलते बेटा ठीक है बेटा तो ये रेगिस्तान का जहाज कहलाता ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कई बार कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं उसका उत्तर आया ऊट ना 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 एकदम सच है बिल्कुल नहीं है झूठ, हो गया? अब आ जाओ इनके ना आंखों पे लंबे लंबे बाल लगाए भगवान ने, जा उट जा, तेरे में लंबे लंबे बाल लगा देता हूं जो आज्ञा प्रभु बस मिट्टी के कणों को आंखों में जाने से रोकने के लिए महाप्रभु ने खुद ने अपने खुद के हाथों से इनके लंबे लंबे, लंबे बाल लगाए क्योंकि रेगिस्तान में जाना था इनको इनको रेगिस्तान में जाना था वहां पर मिट्टी उड़नी थी वहां पर धूल उड़नी थी भगवान ने खुद ने कहा वत्स लंबे लंबे बाल लेके जा तो इनकी मिट्टी के कणों को रोकने के लिए भगवान ने आंखों पर लगा दिए लंबे लंबे बाल लंबे लंबे बाल लंबे लंबे बाल बाबा रे लंबे लंबे बाल हो गया हो गया भाई चलो हाँ झीपड़ा लगा दिए हो गए अब ये हट्टी होता है बहुत ज्यादा एक बार जिद पकड़ ली तो पकड़ ली फिर किसी के बाप की नहीं सुनता एक बार दिमाग में बैठ गया ना फिर ये किसी के बाप की नहीं सुनता ही हट्टी होता है दुष्ट होता है इसको दुष्ट कहा गया है दुष्ट करना है से। बदला लेने की प्रवृत्ति है अपने दुश्मन को भूलता नहीं बेटा ये अपने दुश्मन को भूलता नहीं, नहीं है कभी नहीं भूलता है कभी नहीं भूलता है। कभी नहीं कभी नहीं भूलता एक प्रजनन के समय जल्दी आवेश में आ जाता है प्रजनन के समय जल्दी ही आवेश में आ जाता है मतलब ये बहुत ज्यादा ना इसकी एक्टिविटी बड़ी अलग हो जाती है जब यह प्रजनन का टाइम होता है सर्दियों का टाइम होता है तो ये इसके हटी होता है हटी होता है दुष्ट होता है बदला लेने की प्रवृत्ति रखता है और जैसे प्रजनन का टाइम आता है उस समय जल्दी आवेश में आ जाता है अलग ही दुनिया इसकी इसकी नॉर्मल स्पीड रहती है 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की एक ऊंट एवरेज एक ऊंट एवरेज पर डे के अंदर 9 से 10 किलोमीटर एक घंटे में चल जाता है पर डे में नहीं सॉरी एक घंटे में राइट बेटा ठंडी रात में 90 से 60 साठ किलोमीटर तक चले जाते सॉरी 60 से नब्बे अगर ठंडी रात है हाँ रास्ता नहीं भूलता सब आएंगे इसमें इसमें सब के सब आएंगे ऊंट के बारे में पॉइंट भी नहीं छूटेगा बेटा तो ठंडी रातों में इसकी स्पीड हो जाती है मतलब इसकी जो चलने पूरी रात में जो ना साठ से नब्बे किलोमीटर निकाल देता है बेटा ठीक है बेटा एक ऊंट एक घंटे में एक घंटे में इतनी जुताई भी कर देता है साढ़े सात सौ से एक हजार पचास मीटर स्क्वायर एक ऊंट एक घंटे में साढ़े सात सौ से एक हजार पचास मीटर स्क्वायर क्षेत्र में जुताई भी कर सकता है ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बहुत टेक्निकल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा राइट तो एक ऊंट एक घंटे में कितनी जुताई कर सकता है साढ़े सात सौ से एक हजार पचास मीटर स्क्वायर इसकी कुबड़ भी कुबड़ की साइज भी एग्जाम में पूछ लेते हैं एक प्रजनन में हाँ जो ऊंट प्रजनन में काम आते हैं बेटा जिनका केवल ही प्रजनन करना ही काम है उनको माही ऊंट कहा जाता है माही ऊंट कहा जाता है माही ऊंट कहा जाता है जो ऊंट प्रजनन कराने के काम आते हैं सिर्फ उनको माही ऊंट कहते हैं माही ऊंट कहते हैं माही ऊंट कहते हैं माही ऊंट प्रजनन वाले ऊंट कहलाते हैं माही ओट वाले ऊट कहलाते हैं माही ओट इनकी कुबड़ जो आती है ना वो 50 सेंटीमीटर ऊंची आती है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर ऊंची आती है इनकी कुबड़ रे रे कुबड़ रे सबसे हाँ ऊंची 50 आधा मीटर ऊंची कुबड़ होती है भाई आधा मीटर ऊंची इसकी कुबड़ होती है कितनी होती है आधा मीटर ऊंची <coughs> और 200 सेंटीमीटर उसका घेरा होता है आधा मीटर तो ऊंची बड़ वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 200 से 200 सौ मीटर सॉरी 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर उसका घेरा या परिधि होती है <coughs> राइट हो गया नर नर माही नर को कहते बेटा शरीर भार नर का जनरली होता है 500 से साढ़े सात किलोग्राम जनरली ये किसी नस्ल का नहीं है दोस्त ये जनरल है 500 से साढ़े सात किलो का ऊंट हुआ करता है नर ऊटनी मादा होती है 400 से 600 सौ की राइट हो गया जन्म के समय जो बच्चा जन्म लेता है यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो पैंतीस से चालीस किलो का होता है जिस समय जन्म लेता है ना जन्म लेता है उस समय पैंतीस से चालीस किलो का होता है ऊंट का बच्चा यू पैंतीस से चालीस किलो का पैंतीस किलो का हो सकता है छत्तीस का हो सकता है सैतीस का हो सकता है अड़तीस का हो सकता है उनचालीस का भी चालीस का भी हो सकता है पैंतीस से लेके चालीस की कम से कम पैंतीस है ज्यादा ज्यादा चालीस है जन्म के समय इसका गर्भ काल होता है उससे पहले रह गया प्रजनन की आयु होती है नर की पांच से छह साल पहली बार जब प्रजनन करता है ना बेटा जनन करता है प्रजनन करता है तो उससे में उसकी उम्र होती है नर की पांच से छह साल मादा की होती है तीन से चार साल हर लाइन क्वेश्चन है हर लाइन क्वेश्चन बेटा तो नर पांच छह साल में बड़ा हो जाता है मतलब वो प्रजनन की योग्य हो जाता है मादा तीन चार साल में बड़ी हो जाती है प्रजनन की योग्य हो जाती है गर्भ काल तीन दिन का होता है अब किसी बुक में तीन सौ बानवे हो सकते हैं किसी में तीन सौ चौरानवे हो सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे राइट बेटा हा लाइन टू लाइन क्वेश्चन है एवरी लाइन इज क्वेश्चन सामान्यतः मादा ऊट दो साल के अंतराल से बच्चे को जन्म देती है दो साल तो वैसे ही हो गया भाई एक साल तो वैसे रहेगी तीन सौ नब्बे दिन हो गए तो एक सवा साल तो वैसे हो गए बाकी ड्राई पीरियड आ जाएगा ऐसे करके हर दो साल के गेप में एक बच्चे को जन्म दे सकती है ठीक है बेटा तीन सौ नब्बे तीन सौ चौरानवे चार सौ कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट बोस राइट बोस आगे चलते हैं ये शुष्क पदार्थ कितना रहता है ड्राई मेटर इंजेक्शन शुष्क बहार शुष्क पदार्थ ग्रहण करता है पर डे का अगर 100 किलो बार का है ना तो वो एक दिन में कितना शुष्क बार लेता है एक पॉइंट आठ से दो पॉइंट आठ के जे देखो देखे 100 किलो बार पे कितना ड्राई मेटर इंजेक्शन है इसका डीएमआई क्या हो गया ड्राई मेटर इंजेक्शन ग्रैंड आई एन जी ई -E एस टी ओ एन तो 100 किलो वजन का ऊंट है वो 1.8 से 2.8 किलो ड्राई मेटर लेता है ड्राई मेटर लेता है ड्राई मेटर लेता है एक पॉइंट आठ से दो पॉइंट आठ किलो ड्राई मेटर लेता है नमक कितना खिलाओगे भाई मार ऊट डो पिचेतर से सौ ग्राम एक दिन में एक ऊंट को नमक खिलाते हैं पिचेतर से सौ ग्राम ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ओथेंटिक और परफेक्ट डाटा है बेटा ठीक है बेटा हाँ नमक बहुत खाते हैं पिछहत्तर से सौ ग्राम पर डे का नमक है यानी कि हर दस दिन में एक टाटा नमक की थैली खत्म याद करने का तरीका एक किलो की थैली हर दस दिन पे ऊंट को संभलानी पड़ती ये ले टाटा का नमक हो गया एक दिन में ये पानी पीता है अट्ठारह से छत्तीस लीटर एक दिन में पानी पीता है 18 से 36 लीटर तक राइट है लेकिन एक बार में कितना पी सकता है मान लो कई दिन इसको प्यास लगी हुई है पानी नहीं पिया तो ये बेटा एक बार में 135 लीटर तक पानी खींच जाता है 135 थर्टी फाइव लीटर सोचो आप डेढ़ क्विंटल पानी खींच जाता है सवा से डेढ़ क्विंटल पानी पी जाता है वैसे अठारह छत्तीस तो डेली पीता है 18 से लेके 36 के बीच में तो इसका डेली का पानी पीना है नॉर्मली <coughs> लेकिन अगर कई दिन तक पानी नहीं मिला और फिर उसके बाद एक साथ ही मिल गया तो भैया 135 लीटर खींच जाता है एक बार में पानी पीने के बाद में इसकी जो आरबीसी है ना बेटा वो 240 परसेंट तक खून के अंदर जो आरबीसी है रेड ब्लड कार्पसल्स है वो दो तक बड़ी हो जाती है जबकि बाकी जो ऊंट बाकी जो एनिमल है ऊंट के अगर उनकी 130 परसेंट भी हो जाए इसकी 240 हो गई दोबारा सुनना पानी पीने पे जब खून में पानी जाता है मतलब सेल्स में पानी जाता है तो इसकी आरबीसी 240 परसेंट तक चोरी हो जाती है यानी कि ढाई गुना बढ़ जाती है ढाई गुना क्या ज्यादा ही हो गई हाँ ढाई गुना ही हो गई <coughs> इतनी है ना तो इतनी बड़ी हो जाएगी ढाई गुना बड़ी हो जाती है लेकिन बाकी जो ऊंट है बाकी जो ऊंट के अलावा प्राणी है अगर उनकी आरबीसी इसकी कितनी बड़ी दो लेकिन बाकी की अगर 130 भी बढ़ जाए ना गाय की भैंस की कुत्ते की बिल्ली की तो तो फट जाती है आरबीसी इसकी 240 बढ़ने पर भी नहीं फट रही है बाकी जानवरों की 130 से ज्यादा होते ही आरबीसी फट जाती है सही है तो पानी पीने के बाद आरबीसी का साइज कितना बढ़ जाता है 240 परसेंट जबकि बाकी एनिमल्स का बेटा 130 परसेंट पे ही फट पे जाती है आगे भाई अब आ जाओ ऊंटों की ऊँटों पर ना कलाकारी करते लोग आप देखे ना ऊंटो पे ना ऊंटों पे डिजाइनें बनाते हूं बालों को काट काट के ना डिजाइन बनाते हैं कभी आपने स्वास्थ्य देखा होगा कभी आपके ना आपने कोई डिजाइनें मतलब कहीं फूल बना देते हैं ऊंटों के ऊपर तो ऊंट की जो चमड़ी होती है उस पर मीनाकारी करते हैं बेटा कलाकारी करते हैं उस मीनाकारी करने की कला को कहते हैं उस्ता कला एग्जाम में जेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी करते हैं उस कला को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मीनाकारी कौन सी कारी ओ उस्ता कला मीनाकारी को बोलते है? उस्ता कला 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 राइट बेटा प्रजनन काल इसका नवंबर से मार्च है नहीं सिर्फ रह गया मार्ग बहुत याद रखता है झुंड में रहना इसको बड़ा बच्चा लगता है टोली में रहते हैं टोली में और मार्ग याद रखता है मस्त वाला जैसे जाते हैं ना कोई लड्डा लेके जाता ले है ऊंट लेके जाते हैं तो जाते टाइम तो वो जाते हैं तो लेके जाते हैं आते टाइम वो लड्डे पे आराम से जो है ना उसकी गाड़ी पे सो जाते हैं पीछे पीछे ही खुद अपने आप ही ऊंट अपनी जगह आ जाता है हो गया तो झुंड में रहना इसको पसंद है झुंड में रहना इसको पसंद है मार्ग याद रखने की इसकी खतरनाक क्षमता होती है रास्ता कभी नहीं भूलता ही इसके गूगल मैप यहां फिट है खोपड़ी में गूगल मैप है इसको कोई मैप देखने की जरूरत नहीं एक बार ले जाओ वापस उसी रास्ते आ जाता है बेटाई राइट है राजस्थान में अगर ऊंट की कोई बीमारी हो गई तो सीधे पाबू के पास जाते हैं लोग ये भी क्वेश्चन है हाँ लड्डो ही बोले भाई राजस्थान में ऊंट की कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं पहले पाबू के दोग लगाते हैं ये भी क्वेश्चन है कि ऊंट की बीमारी होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है पाबू राजस्थान में ऊंट बीमार हो गया डॉक्टर बाद में याद करते हैं। पहले पापू जी के ठेड जार दो दे रहा है सात पावंडा भरत देवनी राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति को रेबारी जाति कहा जाता है या रेबारी जाति ही ऊंट पालती है हो गया भाई अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है प्रति ऊंट एक ऊंट को जो जगह चाहिए एक ऊंट को जगह चाहिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वो सत्तर से सौ फिट स्क्वायर चाहिए सत्तर से हां जाड़ो आप सीधे ले जाते हैं रेबारी राय का एक ही बात राएका है बेटा रेबारी ही राय रे का है राय का ही रेबारी है दोनों राय का भी लिख लेना बुक में राय का भी लिख लेना एक ऊंट को जो एरिया चाहिए रहने के लिए मानस सत्तर से सौ फिट स्क्वायर रुक जाओ बेटा हो गया बेटा एन आर सी सी बिकानेर में एनआरसी बिकानेर में ऊंटनी के दूध से डायबिटीज का इलाज बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भैया एनआरसीसी में ऊंटनी के दूध से किस रोग पे अनुसंधान चल रहा है तो डायबिटीज पे डायबिटीज पे तो एनआरसीसी बीकानेर में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केमेल जोरबीर बीकानेर यहां पर ऊंटने के दूध से मधुमेह के इलाज डायबिटीज का इलाज कैसे हो सकता है उसके लिए बेटा रिसर्च चल रहा है हा क्यों नहीं आएगा एनआरसी एनआरसीसी बीकानेर में हाँ कौन से रोग को लेके ऊटने के, के दूध पे रिसर्च चल रहा है दैट इज डायबिटीज कौन सी बिटेज डायबिटीज हो रहा है बढ़िया आ रहा है इसका प्रजरन काल नवंबर से मार्च ये जो मस्ती में आते हैं ना बेटा हीट में आते हैं वो नवंबर से मार्च में आते हैं इसका जो प्रसव होता है बच्चे को जन्म देने का जो महीना है वो दिसंबर से मार्च है अरे बेटा वो गाडी खड़ी करके आए वो कमांडर चलाने वाले हैं कमांडर चलाने वाले उनको मतलब नहीं इससे वो कमांडर चलाते भाई तो प्रजनन काल है इसका नवंबर से मार्च हां मध मद, मद में आते हैं और प्रसव का टाइम है दिसंबर से मार्च ऊटनी का गर्भ काल है रट या मस्त कहलाता है ऊटनी का मदकाल सॉरी मदकाल मध्यकाल को कहते हैं रट या मस्त रट या मस्त मध्य चक्र इसका अट्ठाइस दिन का होता है बेटा दोबारा मध्य में आता है अट्ठाईस दिन बाद और तीन से पांच दिन तक मध्यकाल में रहता है देख लो आप मध्य चक्र कितने दिन का है अट्ठाईस दिन का मध्यकाल अवधि कितनी है तीन से पांच दिन के राइट right, बेटा मध्य चक्र एक बार मध्य में आने के बाद ऊटनी फिर से अट्ठाईस दिन बाद मध्य आएगी तीन से पांच दिन मध्य में रहेगी हर लाइन क्वेश्चन है हर लाइन क्वेश्चन है हो गया ऊंट फैमिली जो केमल परिवार है बेटा केमल केमल जो परिवार है ऊंट परिवार उसमें ऊंट के अलावा भी कुछ लोग और आते हैं कुछ एनिमल्स आते हैं छह सदस्य ऊंट परिवार में ऊंट परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है ऐसे शादी के टाइम मकान के बाहर लिखा होता है इनके जब ऊंटों की शादी होती है ना बेटा ऊंटों की ऊटनी होगी तो इनके बाहर शुभ लाभ फिर नीचे लिखा रहता है ऊंट परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है ऊंट परिवार के ना छह सदस्य है जो ऊंट जैसे ही है जिनमें दो तो वास्तविक ऊंट है चार दक्षिण अमेरिकी ऊंट है चलो मैं बताता हूं छह सदस्य कौन है एक तो लामा 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 ऊंट परिवार का है लेकिन दक्षिण अमेरिका भाई दो तो हो गए ऊंट दो तो ऊंट हो गए ना एक एशियन ऊंट एक अरेबियन ऊंट एक थम्भ वाला दो थम्भ वाला तो दो तो वास्तविक ऊंट ही है ओरिजिनल में ऊँट ही है वो तो लेकिन चार साउथ अमेरिका के चार ऊंट जैसे जीव और होते हैं एक तो लामा लामा एल एम ए लामा आता कभी देखना डायग्राम वो गलती से मैं लेके नहीं आया वो एकदम बड़ा जबरदस्त होता है वो छाली बकरिया के नाम ऐसे ना बीच में से ताड़ निकालता है ऐसे कमांडर चलाने वालों की तरह बीच में निकालता है अल्पाका या गुआनाको और विकुना तीन ऊंट जैसे दो तो खुद ऊंट ही हो गए एक कुबड़ वाला दो वाला और इसके अलावा भी देखो साउथ अमेरिका में ऊंट जैसे और जीव भी आते हैं एक लामा आ गया एक अल्पाका आ गया एक गुआनाको आ आ गया एक विकुना गया हाँ लामा तो मेरा दिखाया हुआ है लामा तो मेरा दिखाया हुआ ऑफलाइन क्लासों के अंदर ऑफलाइन भी दिखाया बेटा एकदम वो बीच में से टाल निकाल के वैसे रहता है देखो तो ऊंट परिवार के छह टोटल मेंबर होते हैं जिनमें दो ओरिजिनल ऊंट है और चार बेटा लामा ऊंट जैसा ही होता है सेम टू सेम अल्पा का और विकुना भी होता है ऊंट का औसत जीवन काल होता है चालीस से पचास साल एक ऊंट एवरेज अपनी जिंदगी में एक ऊंट अपनी एवरेज जिंदगी में चालीस से पचास साल जी सकता है हाँ बालों में मांग निकली होती है वो सेम टू सेम वैसे ही निकालता है यहां से बीच में से सेम टू सेम वैसे उसके बाढ़ होते हैं लामा के ऐसे होते हैं वयस ऊंट की जो लंबाई होती है ना एवरेज वैसे तो दो मीटर तक आ गए लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो एक बहुत जो बड़ा ऊंट हो गया उसकी कंधे तक की लंबाई जिसको आप है ना कंधा या वो बोल रहे थे अभी जस्ट एक शब्द आया था विदर 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 तक की लंबाई वो बेटा एक पॉइंट आठ पांच मीटर एवरेज होती है दो मीटर के आसपास ही हो गया ना और कुबड़ तक होती है कुबर तक जाओगे तो दो पॉइंट एक पांच मीटर होती है अगर कुबर तक जाओगे तो दो पॉइंट एक पांच मीटर बाकी जनरली आप विदर तक जाओगे ना कंधे तक विदर के आगे वाला भाग विदर तो एक पॉइंट आठ पांच होता है होने को तो भैया बिकाने रही है दो दो मीटर के भी मिले लेकिन जनरल है कुबड़ में जो वसा होती है उससे ऊर्जा भी मिलती है कुबड़ में जो वसा होती है ना उससे एनर्जी भी मिलती है गर्मी से भी सुरक्षा होती है अरे होती है कि नहीं इसीलिए कई दिन तक पानी पीने रह जाता बिना पानी पी आ गया रात के समय ऊंटों के शरीर का सॉरी एक ऊंट पानी की 25% परसेंट तक कमी सहन कर सकता है एक ऊंट पानी की 25% परसेंट कमी भी सहन कर सकता है 25% परसेंट रात के समय इनका शरीर तापमान हो जाता है चौतीस डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में हो जाता है इकतालीस डिग्री सेंटीग्रेड दिन में रात के टाइम में शरीर का तापमान चौतीस 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 रात में चौतीस 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 रात में चौतीस 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 रात में और दिन में हो जाता है फोर्टी वन राइट है अरबी शब्द होता है ऊंट ऊंट जो शब्द है ना बेटा वो अरबी भाषा का शब्द है और अरबी में इस ऊंट का अर्थ होता है सुंदरता देखो ऊंट शब्द अरबी भाषा का शब्द है बेटा ऊंट शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इस अरबी भाषा का शब्द है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि चीनी संस्कृत भाषा का है गन्ना संस्कृत भाषा का है खाद संस्कृत भाषा का है खाद्य से लिया गया है तो ये अरबी का शब्द है बेटा ऊंट और इसका अर्थ क्या होता है सुंदरता ये अपनी पीठ पे कम से कम एक सौ इक्यासी किलो वजन रख सकता है ढो सकता है उष्ट संस्कृत का है सही बात है उष्ट संस्कृत का है लेकिन जो ऊंट है ना वो बेटा अरबी भाषा का शब्द है हो गया तो अपनी पीठ पे न्यूनतम एक सौ इक्यासी किलो जितना बाहर उठा सकता है, है, है। अब आ जाओ में क्या क्या होता है ऊंटनी के दूध का संगठन पानी होता है सत्यासी पॉइंट वसा होती है पांच पॉइंट तीन आठ परसेंट प्रोटीन प्रोटीन दो पॉइंट नौ आठ परसेंट लेक।

आपेक्षिक घनत्व तगड़ा होता है इसका अच्छा वाला होता है एक पॉइंट जीरो तीन से एक पॉइंट जीरो चार अच्छा है बेटा नॉर्मली दूध का एक पॉइंट जीरो तीन ही होता है लेकिन इसका एक पॉइंट जीरो चार तक होता है पानी भी ज्यादा ही है सत्यासी पॉइंट छ एक वसा भी ठीक है पांच पॉइंट तीन आठ प्रोटीन थोड़ी कम है दो पॉइंट नौ आठ भी कम है तीन पॉइंट दो नौ तो अपने भी गाय के भैंस के सभी के पॉइंट सात से पॉइंट नौ ही चलते हैं ठोस लगभग बराबर अपने जैसे ही है मतलब गाय भैंस की तरह ही है गया बेटा और वह सारा ठोस है सात पॉइंट जीरो एक और जीरो तीन से एक ऊंटनी के दूध में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है बेटा ऊटनी के दूध में विटामिन सी जी हा ऊटनी के दूध में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है होता है ऊटनी के दूध में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा होता है ऊटनी के दूध में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, होता है? सबसे ज्यादा होता है दूध वसा का जो पाचन का क्रम है दूध वसा पाचन मतलब किसी का दूध आप पी रहे हैं तो सबसे पहले जो फेट पचेगी ना वो ऊंट के दूध की पचती है बेटा ऊंट के दूध की फेट सबसे पहले पच जाती है फिर बकरी की फेट अच्छी होती है जल्दी पच जाती है फिर गाय की और सबसे धीरे पचने वाली डेट टड़े बैस डेट टड़े बैस सबसे पहले ऊंट की वसा पची सबसे पहले ऊंट के दूध की वसा पची फिर बकरी की नहीं पिलाते क्या आप जो बीमार लोग होते हैं उनको बकरी की दूध पिलाते ताकि जल्दी पच जाए फेट। तो ऊंट की पहले सबसे हल्का दूध सबसे हल्की वसा होती है ऊंट के दूध की ऊँटने के दूध की जल्दी पच जाती है फिर बकरी की पस्ती है फिर गाय की पस्ती है और सबसे ज्यादा परेशान करती है भैंस के दूध की वसा हो गया भाई ऊंट की केवल बीमारियां रहेगी बाकी सारा ऊंट आपका पूरा हो गया बाप बापू। जल्दी हा हो गया सारा ऊंट हो गया एक ही क्लास में निपटा दिया केवल दो तीन बीमारियां रही है थोड़ा ज्यादा लेट हो जाए घरवाले आपको डांटेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा

फैसला आप करें राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की आठवीं रैंक और सामान्य वर्ग की रैंक। राजस्थान 2020 में में टॉप 10 से आठ विद्यार्थी टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की तिरसठ परसेंट सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा जहां 90 प्रतिशत बच्चे कर रहे हैं बारहवीं के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानी मचा रहे धूम, हजार के साथ ही Z 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर यश शर्मा ने तीन चौरानवे नंबर इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है दो करोड़ साठ लाख रूपए की स्कॉलरशिप कक्षा बारह के परिणाम में सत्तानवे प्रतिशत या अधिक एक विद्यार्थी प्रतिशत तीन विद्यार्थी, चौरान सात विद्यार्थी तिरानवे प्रतिशत अधिक ग्यारह विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत अधिक चालीस विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट में सौ प्रतिशत लाने वाले दो विद्यार्थी निन्यानवे प्रतिशत या ज्यादा लाने वाले तीन विद्यार्थी सत्तानवे प्रतिशत अधिक लाने वाले उन्नीस विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत अधिक लाने वाले एक सौ तिरसठ विद्यार्थी दसवीं से बारहवीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की उनचालीस परसेंट की रिकॉर्ड वृद्धि रिंकू यादव ने 36 की सैतीस परसेंट की वृद्धि नरेश पाटीदार ने छत्तीस परसेंट की वृद्धि प्रकृति की गोद में दस बीघा में फैला विशाल कैंपस आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज होस्टल्स राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी आई सी आर बी एच यू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11, ट्वेल्थ क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध ग्यारहवीं बारहवीं के साथ और इसके बाद भी आई सी आर बी एच यू की क्लासेज उपलब्ध राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेई राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई सी आर जेट बी एच यू राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर आल अकेडमिक क्लासेज राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक साथ ही विजिट करें डब्ल्यू 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 डॉट राजधानी ग्रुप डॉट इन हेल्पलाइन नंबर नाइन थ्री वन फोर वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो नाइन डबल जीरो वन डबल जीरो वन थ्री वन फोर एग्रीकल्चर में है सन